हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश और आप देख रहे हैं आपका चैनल इन्फो मस्ती। आज की वीडियो में हम कक्षा 11 राजनीतिक विज्ञान के बारे में बात करने वाले हैं, जो रिवीजन टेस्ट होने वाला है। ये 1 से लेकर 21 तक पूरे संपूर्ण उत्तर इसमें मिलेंगे हैंड राइटिंग रिटर्न में। अच्छे से नोट्स बनाए हैं आप, प्लीज़ इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसको अच्छे से अपने एग्जाम को दे सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप देख सकते हो आपको सही विकल्प चूज करने हैं। पहले क्वेश्चन में आपका है ग बारकर, दूसरे में आपका है 26 जनवरी 1950, तीसरे में आपका वाइमर संविधान, चौथे में आपका है भारत और पांचवे का आपका का 12। इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप दूसरे वाले में खाली स्थान भरने हैं आपको, तो पहले में क्षमा, दूसरे में 500, तीसरे में स्थाई, चौथे में 25 और पांचवे में सातवीं, ये आपको चूज कर लेना है। तो आप सही विकल्प सही जोड़ा बनाना है आपको थर्ड क्वेश्चन में। तो आप यहाँ देख सकते हो पहले का आपका पहले का पाँचवा, दूसरे का है आपका पहला और तीसरे का है आपका चौथा और चौथे का दूसरा और पांचवे का तीसरा, ठीक है। अब यहाँ इसको सही विकल्प से आप देख सकते हो, ओके। और चौथे क्वेश्चन में आपको एक वाक्य में आपको आंसर देना, तो मैं एक वाक्य में आपको आंसर दे देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना उसका। तो आप देख सकते हो पहले वाले में आपका लॉर्ड बेवेल, दूसरे में आपका है 12, तीसरे में आपका है भाग 3, चौथे का आपका राष्ट्रपति और पाँचवें में डॉक्टर एस राधा कृष्ण, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने अथवा कर रखा है, आप प्रारूप समिति के 2 सदस्यों के नाम लिखने, तो यहाँ आप 2 सदस्य के नाम है, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 6 में आप आ जाओ, क्वेश्चन 6 का भी अथवा पाठ मैंने नगर पालिका अनुसूची 12 के 2 कार्य बताइए, तो 2 कार्य हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप नोट डाउन कर सकते हो। जो 7वां क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में देख सकते हो संघ शासन की मूल विशेषता लिखनी है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 लाइन का है। तो संघ शासन की मुख्य विशेषता यही है कि शक्तियों का विभाजन, आप सिंपली 1 लाइन का ये आंसर लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ना यार, आपके भाई का चैनल है। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, देख सकते हो आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं, 2 पार्ट्स हैं आपके, तो न्यायपालिका वाला है और कानून का शासन वाला, मैंने कानून का शासन वाला कर रखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो ईजी तरीके से, तो आप नोट डाउन कर लेना आप। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर देख सकते हो राज्यसभा और लोकसभा के बारे, तो मैंने राज्यसभा वाला कर रखा है, इसका भी अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी नोटबुक में जरूर नोट डाउन करना है इसको इन फ्यूचर के लिए। तो इसका इतनी स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसके नीचे भी आते हैं हम, इसके नीचे वाला भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब कोई भी प्रॉब्लम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, प्रधानमंत्री के 4 महत्वपूर्ण कार्य लिखने, तो मैंने ये वाला क्वेश्चन कर रखा है, इसके अंदर 2 पार्ट है, राष्ट्रपति के वाला भी है, मैंने प्रधानमंत्री वाला कर रखे हैं। तो प्रधानमंत्री के 4 कार्य कर रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले वाले का आप लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब नीचे वाले मैं नीचे कर देता हूँ, जो शासन के विभिन्न, इसके इसका भी आप ले लेना, तो मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ओके। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, ओके। अब इसको स्क्रीनशॉट आप ले लो, ये परफेक्ट पोजीशन पे आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन 12 में आपके 2 पार्ट दे रखे हैं, एकल वाला और वैस वाला, मैंने वैस वाला कर रखा है, आप उसको भी कर सकते हो और स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इन फ्यूचर के लिए भी आप नोट डाउन कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 11 का देखो, ये वैस वाला है, आप इसको कर सकते हो, मत अधिकार क्या है, ओके। थोड़ा नीचे डाउन करता हूँ, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, बस स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर 2 पार्ट दे के संविधान की प्रस्तावना को लिखे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ये वाला मैंने कर रखा है, तो आप इसको भी कर सकते हो। इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, भारत की संविधान सभा पर नोट, मैं नोट वाला नहीं कर रहा, मैंने पहला वाला क्वेश्चन कर रखा है संविधान की प्रस्तावना वाला, आप भी इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो, मैंने अभिव्यक्ति तक कर रखा है। अब यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो और इसके आगे वाला भी स्क्रीनशॉट आप ले लेना, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर, आप देख सकते हो 2 पार्ट दे रखे हैं इसके, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया है, समझाओ, ये भारतीय संविधान के 4 एकात्मक, तो मैंने 4 वाला कर रखा है, आप भी इसको नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ देख सकते हो मैंने ये भारतीय संविधान सभा पर भारतीय संविधान के 4 एकात्मक लक्षण लिखे, मैंने 4 लक्षण लिखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका भी आप नोट डाउन कर सकते हो अपने नोटबुक में, और ये अभी के लिए नहीं, बाद के लिए भी आपका काम आएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अपने चैनल को, थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ओके, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन ये तीसरा वाला है, ये चौथा और तीसरा, इन 2 का भी आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 14 में देख सकते हो 2 पार्ट दे रखे हैं आपको, चुनाव आयोग वाला और एक सावधिक बोर्ड वाला, मैं चुनाव आयोग वाला कर रखे हैं, इसके 4 कार्य मैंने लिखे हैं, आप भी इसको नोट डाउन कर सकते हो ईजी तरीके से।
तो पहला कार्य है आप इसके स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। आप देख सकते हो दूसरा और तीसरा भी है, अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो आप। मैं थोड़ा रोक लेता हूँ उसको, स्क्रीनशॉट ले लो और कोई भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, ये हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। इसके तीन कार्य यहाँ है और चौथा कार्य भी है, मैं स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ये चौथा कार्य ऊपर जो लिखा हुआ है, चौथा कार्य है अपना, ये लिख लो। क्वेश्चन नंबर 15 में मैंने अथवा वाला पार्ट कर रखा है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर सकता है, तो वो वाला करना है। मैंने वो वाला कर रखा है, आप उसके ऊपर वाला भी कर सकते हो। तो पहले मैंने ये करा है, पहले दूसरा तीसरा चौथा, इसके चार लिखे मैंने, अब वो लिख सकते हो उसके। ओके, इतना लिख लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं, 16 पे। 16 का मैंने अथवा वाला पार्ट कर रखा है, ठीक है, अथवा वाला पार्ट है। इसके भी चार पाँच है मुख्य दोष हैं इसके भी, तो मैंने पहला यहाँ स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। सेकंड वाला इसके बैक साइड में है, ये सेकंड वाला है, ये कार्यपालिका वाला, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट डाउन कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 17 नहीं कराया मैंने, क्योंकि चित्र को देख के तो आई थिंक ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि कोई डायग्राम या चित्र नहीं दिया हुआ था। अब ये क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18 पे देख सकते हो आप जनहित वाला, तो मैंने जनहित वाला मैंने कर रखा है। आप उसका भी स्क्रीनशॉट लेके पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका छोटा ही सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको भी अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे देख सकते हो, ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है किसी विधायक को कानून बनाने के, वाला कर लेना। चार पाँच पॉइंट से पॉइंट बाई पॉइंट मैंने कर रखा है, आप भी इसको पॉइंट बाई पॉइंट नोट डाउन कर सकते हो अपने नोटबुक के लिए, और आने वाले एग्ज़ाम में भी ये काम आने वाला है, तो अच्छे से आप नोट डाउन करना, अच्छे से नोट्स को क्रिएट करना और अपना एग्ज़ाम अच्छे से देना। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 राष्ट्रपति वाला, तो मैंने राष्ट्रपति वाला कर रखा है, आप भी राष्ट्रपति वाला कर लेना, या उसके नीचे वाला भी आप कर सकते हो अथवा वाला, तो मैंने राष्ट्रपति वाला कर रखा है, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ उसको। ओके, यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन आता है 21 क्वेश्चन, संविधान की 5 प्रमुख विशेषताएं लिखना है, या संसदीय शासन प्रणाली को की विशेषता है, तो मैंने अथवा वाला मैंने क्वेश्चन कर रखा है, तो आप ऊपर वाला भी कर सकते हो अगर आपको आता हो, तो मैंने नीचे वाला कर रखा है, ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने नीचे वाला कर रखा है, आप उसको भी कर सकते हो। इसकी प्रणाली की क्या क्या की विशेषताएं हैं, 4 विशेषताएं हैं, तो पहला दूसरा तीसरा, इसकी दूसरे और तीसरे वाले की भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और चौथे वाले का छोटा सा पार्ट्स है नेक्स्ट पेज पर, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 14 का ये वाला पार्ट्स है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और छोटा सा पार्ट एक वन लाइन का और है, ये भी आप नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक के अंदर, ये भी नोट डाउन कर लो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फो मस्ती यूट्यूब चैनल। टेक केयर, बाय। सब्सक्राइब करना।